डर के कि मामा पापा का एक्सीडेंट हो गया आ जाओ। हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो जी हैप्पी न्यू ईयर, इस्लामिक हैप्पी न्यू ईयर, और हमारा नया साल शुरू हो गया है, इस्लामिक न्यू ईयर है। और बस ये काफ़ी टाइम से ना मेरे गमले ऐसे ही लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि सारे गमले हटा के और मैं इसको अच्छे से जो टाइल्स हैं उसको क्लीन कर दूँ, क्योंकि मिट्टी वगैरह हो गई थी, बाल वगैरह फंस जाते हैं, हवा चलती है ना। तो बस मैंने सारे के सारे गमले हटा के बहुत अच्छे से पूरी की पूरी छत की सफाई धुलाई करी, और बस ये बाहर के लिए ही मैंने टेबल रख दी है, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं जब शाम होती है, तो उनकी चेयर और टेबल लगा दी। और बस ये मैं सारे काम वगैरह निपटा के बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी, और सारी धुलाई वगैरह करके पूरा मतलब ऐसा हो गया था ना, थकान में पसीने वगैरह। बस फिर मैंने नहा धो के अपने किचन का काम निपटाया, और फिर बस खाना वगैरह बनाना था, करना था, और इतने में शाम में बारिश हो गई, और फिर सारे धुले धुलाया, जितना सुखाया था वाइपर करा था सारा का सारा फिर से, क्योंकि फिर मिट्टी पानी मतलब डालते हैं ना, तो फिर सारा मिट्टी मिट्टी हो जाती है। और बस फिर ये नेक्स्ट डे था, और नेक्स्ट डे मैं क्या कर रही थी, पूरे घर के जाले वगैरह और दीवारों पर भी ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्या कहते हैं, छोटे छोटे जाले हो जाते हैं ना, धूल चिपक जाती है, जाले तो नहीं कह सकते, धूल चिपक जाती है, तो मैं वो क्लीन कर रही थी सब कुछ। तो मैं झाड़ू से ही मतलब करने लग गई, और मैंने कहा कि यार हम क्या मतलब सेंस नहीं रहता ना कि हाँ कोई काम कर रहे हो, तो और हमने ही वीडियो वगैरह में हेल्प करी मुझे, और फिर मैंने अलग से फिर जो ये होती है जाले साफ़ करने वाला, इससे मैंने साफ़ करा, और थोड़ी सी मैंने सेटिंग चेंज कर दी थी। ये जो अभी अर्श बैठा हुआ है ना, तो ये सामने जो रैक है, मैंने आपको दिखाया था रैक लगा रखा है सामने वाली वॉल पर था, तो वहाँ से हटा के मैंने इसको साइड पे लगा दिया, और उसके ऊपर कुशन्स वगैरह रख दिए, सेट कर दिया। और ये हानिया का टेंट है, और हानिया के टेंट और ये जो कूलर है हरम के पीछे, उसको सेट करना है, क्योंकि थोड़ा अटपटा सा ही लग रहा था। तो बस खैर, हानिया तो बिल्कुल भी अपने टेंट के अंदर जाती नहीं है, मतलब ऐसा है ना, कभी चल जाती है कभी नहीं चल जाती, मतलब अभी ज़्यादा नहीं जा रही है, तो क्या होता है ना कि बच्चे अपने टॉयज़ वगैरह से बोर हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने क्या करा ना, अब इसका फ़िलहाल तो टेंट उठा दिया है ये, क्योंकि इसके अंदर हानिया तो कम जा रही थी, और जिंजर ही जा के अंदर बैठती है, और स्पेस थोड़ा सा जो था ना वो ऑक्यूपाई हो रहा था, तो इस वजह से मैंने हटा दिया। और आपका टेंट लगाना है दोबारा से, मैं लगाती हूँ। तो खैर बस अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास इसका कोई कवर नहीं था, इसका मैं कवर लूँगी, ऑर्डर करूँगी। जो ये बेंच, मैंने बेंच की तरह मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और अभी कर्टन थे तो मैंने कर्टन वो कर दिए। और आपको क्या समझ में आ रहा है, अभी मैंने जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इसका टेंट मैंने हटा के पैक करके रख दिया है, और ये इसको देख के, टेंट को देख के एक्साइटेड हो गई। हाँ तो खैर बस ये है इसकी जगह, मैं देख मुझे हाँ मियाँ हूँ, कैट है हमारी, मुझे वॉइस ओवर करने दो, आप चुपचाप बैठो। तो बस मैं बच्चों को बोलती रहती हूँ अपने टॉयज इस तरह बिखरा के मत रखा करो, थोड़े से सही कर दो ऐसे पड़े हुए, तो मुझे नहीं लगता आज मेरा वॉइस ओवर हो पाएगा, आज हानिया अपने सारे टॉयज देख के खुश हो रही है, इतने हम साइड में होते हैं कुछ, और ये जिंजर को पकड़ लेती है। कल तो ऐसा हुआ कि जिंजर इसको किस कर रही है, और ये बिल्कुल चुपचाप स्माइल करके हाँ मेरी जान। अच्छा मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये फर वाले ना क्वेश्चन, देखो इस तरह लगता है, देखो तो बस देख लीजिए, इनका एक्सीडेंट हो गया था, और रात के 12:30 बज रहे थे, और मैंने अपने भाई को बुलाया, मैंने क्या बुलाया, बस आगे आप ही कॉन्वर्सेशन सुन लीजिए। क्लिप तो आपने देख ली, जिनके लिए है उनका तो पता नहीं वो देखेंगे नहीं देखेंगे, बट ये हमारे लिए है सीख कि कभी भी किसी को बुरा भला मत कहो,
ठीक है, कोसो मत, और अपनी औलाद को तो बिल्कुल भी ना कोसो, क्योंकि ये तुम्हारी औलाद नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने अमानत दी है कि इसका ख्याल रखना है। 12:30 बज रहे हैं रात में, 12:30 रात में हो रहे हैं, और बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं करते, सिर्फ एक कॉल लगाई बच्चों ने, मुझे पता भी नहीं, जो इनकी पट्टी कर रही थी देख रहे थे, बच्चों ने कॉल लगाई मामा डर के कि मामा पापा का एक्सीडेंट हो गया आ जाओ, और उसने एक मिनट भी नहीं लगाई और वो फौरन आ गया। और फिर क्या सुनने को मिलता है, तुम्हारे माँ बाप करते क्या है, वो जो हाई और खिटपिट होती है ना, वो रंग ले आई। अल्लाह ने बहुत बड़ी उससे बचा लिया, एक्सीडेंट हुआ कुछ भी हो सकता था, रोड एक्सीडेंट कैसे होता है, बस अल्लाह ने बचा लिया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे भी जो बोलने वाले हैं बोलते ही रहेंगे, पूछते ही रहेंगे, अकल आ जाए तो अच्छा है।